कुछ जगह हमारी सोच से बिल्कुल परे होती हैं, जहां होने पर आंखों में बस एक ही सवाल होता है, ये सपना है या हकीकत। हमारी 40 दिन और 3000 किलोमीटर की लद्दाख ट्रिप एंड हो रही थी, पर हानले जाते वक्त ऐसा लगा कि सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। सो गाइस, हम अपने फर्स्ट स्टॉप चुमातांग आ गए हैं। एंड यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो हम वहाँ तक जा रहे हैं। थेरेपी जैसा लग रहा है ना। हॉट स्प्रिंग में चाय गरम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लग रहा है। सो हम हॉट स्प्रिंग्स में गरम करी हुई चाय पी रहे हैं। चीयर्स। हाँ, क्या स्वाद है। अलग ही हीलिंग टच है इसका, बट सच में बहुत अमेजिंग जगह है ये। बचपन में पढ़ाता है जियो थर्मल एनर्जी और उसका, यहाँ देख रहे हैं। और बहुत गर्म पानी है सच में, तो कई बार हाथ भी जल गया उसको पकड़ेंगे चक्कर में। चुमातांग से लगभग 24 किलोमीटर दूर आता है माहे, जहां इनर लाइन परमिट चेक होता है, और फिर उसके बाद आता है दूसरी दुनिया में एंटर होने का रास्ता। एक मोड़ के उस पार जिस तरह से लैंडस्केप चेंज हुआ, लिटरली हमारे तो होश ही उड़ गए। गाइस, यू जस्ट वोंट बिलीव द प्लेस वी आर राइट नाउ। माही से थोड़ा सा ही डिस्टेंस क्रॉस करके ये, मतलब अचानक से ये प्लेन और रिवर वैली आ गई। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड मैन, विश्वास नहीं हो रहा था हमें तो देख के वैली बार, हम तो बस रुक के बस देखने लग गए इसको। इट्स जस्ट नो वर्ड्स, इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। उस पॉइंट के बाद से द रोड वॉज जस्ट प्योर मैजिक। जहाँ देखो वहाँ ऐसा लैंडस्केप था जो हम कभी अपने सपने में भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। सो गाइस, हम एक न्योमा एक विलेज आता है माहे से थोड़ा दूर,
तो वहाँ आए हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ओल्ड सी मोनेस्ट्री है, तो उस पर थोड़ा सा आगे रोड आता है एंड क्लाइंब करके आए हैं। एंड यहाँ से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एपिक व्यूज वी हैव एवर सीन। मतलब मन कर रहा है कि बस जब भी आगे खोले यही दिखता रहे। आप 15-20 मिनट से बस यहाँ बैठ के ये व्यू देख रहे हैं, बट मन नहीं भर रहा। दूर स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं, बीच में रिवर वैली है, एक बहुत ही ग्रीन और ब्राउन सा नीचे विलेज है, एंड अलग अलग कलर के माउंटेन्स हैं, कभी कोई रेड है, कोई ब्राउन है, कोई डार्क ब्राउन है, ब्लैकिश है, क्या मतलब जिस कलर के माउंटेन्स हो सकते हैं सारे वो यहाँ पर है। दिस इज जस्ट अमेजिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, व्यूज और अच्छे होते जा रहे थे। हर मोड़ पे हम सोच रहे थे कि इतनी सुंदर जगह एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती है। ऐसा लग रहा था कि नेचर एक पेंटर है और हम किसी बड़ी सी पेंटिंग में ट्रेवल कर रहे हैं। गाइज हम लोमा पहुंच गए, तो लोमा लास्ट चेक पोस्ट है जहां पर हमारा परमिट चेक हुआ। उसके बाद सीधे हानले आएगा, एंड लोमा में इंडस रिवर और हानले रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। व्यू का तो पता ही है, मतलब क्या सुपरलेटिव्स की कमी पड़ रही है, अब तो क्या ही बोले। अब हम इंडस रिवर तक जा रहे हैं। तो गाइस जब हमने जर्नी स्टार्ट करी थी तो इंडस रिवर का जो कलर था बिल्कुल मडी था, एंड अभी बिल्कुल प्रिस्टीन टर्किश वाटर है, सनलाइट में चमक रही है और इतनी काम रिवर है, अभी विश्वास नहीं हो रहा। एंड ये सीनरी तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, मतलब हर फ्रेम पेंटिंग की तरह है, जस्ट अनबिलीवेबल। बस यहाँ बैठे रहो दिन भर और कुछ करने का मन नहीं कर रहा। गाइस हमने जस्ट एक मीडो में हिमालयन हॉर्सेस स्पॉट करे। जब भी हिमालयन हॉर्सेस देखते हैं ऐसा लगता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की फील आती है, मतलब वही पहाड़ों के बीच गैंडल्फ या उसके हॉर्स के साथ दौड़ लगा रहे हैं। एंड लिटरली मतलब ये फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं लग रहा है। कई तो एक बिल्कुल वाइट है और जो उनकी मेन है सूरज में शाइन कर रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी इमेजिनरी वर्ल्ड में आ गए हैं। जस्ट अमेजिंग। ढलते हुए सूरज की रोशनी में चमकते पहाड़, नीचे हानले नदी के पानी से सजी वैली,
और ऊपर बादल इतने करीब कि लगे हाथ उठाए और छू लें। कहते हैं मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्ते का होता है, पर हम तो मंजिल को भूल ही गए थे। अगर वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता तो हम शायद कभी रुकते भी नहीं। So good morning guys, and really beautiful morning in this wonderland called Hanle. पर ये तो हमने realize कर लिया है कि ये जगह जितनी सुंदर है उतनी harsh भी है। जब से आए यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, and रात को तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, इतनी ठंड और इतनी तेज़ हवा। बट जब हम रात को बाहर निकले and sky में देखा, it was like unbelievable। इतने stars दिख रहे थे and naked eye से मिल्की वे देख पा रहे थे, and मतलब हर 10 सेकेंड में कहीं ना कहीं है ना शूटिंग स्टार दिखाई देता था हमें। और लवे थी ठंड थी, बट फिर भी हम बाहर कम से कम आधा एक घंटे तक बैठ के फोटोग्राफी करते रहे और उसको देखते रहे। हम यहाँ पे पद्मा गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस अच्छा था और सारी फैसिलिटीज़ थी इंक्लूडिंग फूड। हानले में दो जगह है जहाँ पे विजिट कर सकते हो, ऑब्जर्वेटरी एंड मॉनेस्ट्री। तो अब हम सबसे पहले ऑब्जर्वेटरी जा रहे हैं ना। ऑब्जर्वेटरी जा रहे हैं। क्रैब ने बोला गैलेक्सी, रिंग ने बोला हाँ यार, ये कुछ नहीं बोला, ये अनएडिटेड फोटो है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही कैप्चर हुआ है। अमेजिंग यार। सो गाइस, आप हमारे पीछे हानले की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं। ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है, बट ये जब 2000 में एस्टेब्लिश हुई थी तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाईएस्ट थी, लेकिन अभी चिली में है एंड ये बैंगलोर से रिमोटली ऑपरेट होती है। हम इसके अंदर भी गए थे एंड पूरा हमने टेलीस्कोप देखा, एंड नीचे गामा रे टेलीस्कोप भी है जो कि गामा रे इसको ऑब्जर्व करने का काम आता है। एंड सबसे अमेजिंग बात है यहाँ का व्यू, जो कि मतलब हालने में कहीं भी चले जाओ अमेजिंग ही होते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी ग्रासलैंड है, बीच में माउंटेंस के बीच में पूरी ग्रीनरी से डेकोरेटेड है, वाटर स्ट्रीम्स चल रही हैं, बीच में छोटे छोटे एनिमल्स दिख रहे हैं जो कि ग्रेज कर रहे हैं। जस्ट इट इज़ जस्ट सुरियल व्यू फ्रॉम। हानले ऑब्जर्वेटरी से एक शॉर्ट ड्राइव के बाद आती है हानले मोनेस्ट्री। ये 17th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुई थी जब हानले एंशिएंट लद्दाख तिब्बत ट्रेड राउट पे लाई करता था।
सो गाइस हमने हानले मोनेस्ट्री विजिट कर ली, हम वहीं से लौट रहे हैं। काफ़ी ओल्ड मोनेस्ट्री, अंदर से हमने विजिट भी करा था एंड ऊपर से व्यू भी मतलब अलग ही लेवल का एपिक आता है। और जब हम मोनेस्ट्री से बाहर आ रहे थे तो हम आगे मंक्स ने हमें लंच के लिए इनवाइट किया था और हमें फूड ऑफर किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड हम यहाँ पर हानले रिवर के किनारे थोड़ी देर बैठने आ गए, बस यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा हमारा, बट हमें निकलना पड़ेगा। तो बहुत ही हैवी आर्ट के साथ हम ले से निकले थे और उससे ज़्यादा हैवी आर्ट के साथ हम हानले से निकल रहे हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड यहाँ से बहुत बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ लिए हमने, तो वो इंस्टाग्राम पर ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।